कोरोना कार्यकाल में घर में पहुंचाकर वितरित किए किताब, स्कूल बंद है लेकिन पढ़ाने का संस्कार जारी। दौलामेटी जिला परिषद उच्च प्राथमिक हिंदी विद्यालय के प्रभारी मुख्याध्यापिका प्रियदर्शनी मोंडेकर का सराहनीय कार्य। कोरोना ने समय को अजीब बना दिया है, अगली पीढ़ी टीवी की ओर रुक कर रही है, मोबाइल मुखपत्र बन रहा है। अब जब स्कूल आभासी है तो बच्चे सीधे स्कूल के संपर्क के संस्कार से ऑफलाइन हो रहे हैं। ऐसे में एक प्रभारी मुख्याध्यापिका का रूप है जो वह किताबें खरीदती है, स्कूल में एक पुस्तकालय स्थापित करती है और कोरोना अवधि के दौरान छात्रों को किताबें घर पहुँचा कर वितरित करती है, छात्रों को पढ़ाते हुए और अंत में कुछ लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। कमाल की बात है, वाड़ी केंद्र के दौलामेटी यहाँ के जिला परिषद हिंदी माध्यम स्कूल की प्रभारी मुख्याध्यापिका प्रियदर्शनी मोंडेकर, इनके यह कार्य प्रति परिसर में सराहना हो रही है। उनके द्वारा शुरू की गई मोबाइल चिल्ड्रन लाइब्रेरी आज ग्रामीण बच्चों के सिर में फीट बैठती है। यह सुनिश्चित है कि स्कूल बंद है लेकिन शिक्षा शुरू है। इस पहल के तहत मैंने स्कूल बंद करने की गतिविधि शुरू की है, लेकिन दैनिक अध्ययन के साथ साथ अतिरिक्त पढ़ना और लिखना भी जरूरी है, ऐसा प्रियदर्शनी मोंडेकर इन्होंने बताया। उन्होंने अपने छात्रों को पढ़ने और लिखने के अनुरूप रखने के लिए यह अनूठी पहल की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तालाबंदी अवधि के दौरान स्कूल बंद रहेंगे, छात्र के दरवाजे तक किताबें पहुंचाने के लिए एक स्मॉल चिल्ड्रन लाइब्रेरी शुरू की। 6 से 14 वर्ष के आयु के छात्रों के बातें, कहानियों, विभिन्न गीतों, महापुरुषों की कहानियों पर किताबें घर पहुँच कर दी जाती है। उन पुस्तकों का उपयोग करते हुए जिन्हें स्कूल में सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से लाया गया है और कुछ अपने स्वयं खर्च पर लाए गए। स्कूल शुरू होते ही बच्चों के पढ़ने का ध्यान जाता है, लेकिन कोविड-19 के समय अतिरिक्त पढ़ने की उपेक्षा की जा रही है, जिससे कि बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकें छात्रों को घर पर उपलब्ध कराई जा रही है। छात्रों को पहले दिन पढ़ने के लिए दी जाने वाली किताबें छात्र अपने स्कूल की पढ़ाई शुरू करते हैं और किताबों, लेखकों, किंतु किताबों के प्रकाशन के नाम पढ़ने के बाद उन्हें जो पसंद होता है और किताबों में ना पसंद होता है उन्हें किताबें वापस दे दी जाती है और फिर से नई किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है। किताबें अलिफ लैला, अकबर बिरबल, बेताल, तरचीसी, इस तरह की किताबें जैसे सत्य के प्रयास, महात्मा गांधी, लेखक प्रेमचंद भी छात्रों को वितरित की जा रही है। छात्रों के इस पहल के माध्यम से पढ़ना और लेखन कौशल विकसित करने की उम्मीद है। न केवल किताबें देकर मुक्त हो जाते हैं बल्कि वो छात्रों के लेखन की जांच भी करते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए, लिखने के लिए पीठ पर थपथपा देती है। पालागंज भी उनकी पहल से प्रभावित हुए। छात्रों के माता पिता को इस पहल में बहुत अधिक प्रतिक्रिया मिल रही है। जो छात्र कभी शिक्षक के नाम पर 2 कदम दूर रहते थे, अब उन्हें बेसब्री से इंतजार है कि उनके जीवन की असली कमाई हो सकती है। इसे न्यूज के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।